Happy Onam to all of you. आज तिरुवोणम है, केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस बार हम लोग बहुत सिंपल वे में ये मना रहे हैं, क्योंकि केरल में क्या हुआ है सब मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा केरल में इस बार क्या हुआ है। पहले हम लोगों ने सोचा ओणम नहीं मनाएंगे, फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, हम लोग इतनी दूर से आई है, अपने लोगों के पास आ गए और ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलेंगे। और फिर उसका दो रीज़न है, मेरे ससुराल में हम लोग सब लोग उधर भी सब लोग एज रहे और हम पहली बार है संतोष और उसका भाई हमारे शादी के बाद 15 इयर्स के बाद ओणम मना रहे साथ में हमेशा, नहीं तो हम लोगों को नहीं हो पाते, नहीं तो संतोष का भाई को छुट्टी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ रीज़न से नहीं हो पाते। इस बार हम लोग सब लोग मिलकर ओणम मनाया है। फिर इधर मेरे घर में ओणम मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैं उधर जाकर मेरे ससुराल में लंच बना दिया और खा लिया, सब लोग हम लोग मिलकर खा लिया। और फिर हम लोग अभी मेरे घर पे आ गया है, मेरे मम्मी के घर पे आ गया है और इधर बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। और इधर क्यों है, क्योंकि मेरी नानी अभी 5 साल से बेड पे है, एज हो गया है 93 ईयर्स हो गया है उनका। मेरी नानी जब अच्छा था वो कर पाते थे, तब नानी को ऐसा था उनका सब बेटा पोती लोग सब लोग पोते पोते सब लोग ओणम और विशु के दिन हमारे इस घर में ही आकर खाना है, एक सिस्टम था। नानी को इच्छा था, नानी सब कुछ बनाते थे, सबको खिलाते थे। मम्मी जब से नानी बेड पे था मम्मी वो फॉलो करने का मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा हम लोग को नहीं मालूम है। और नानी को अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, नानी को अभी कुछ याद कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ उनका इच्छा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जब तक नानी है हम लोग नानी का हर इच्छा पूरा करेंगे। Yeah.
रक्षाबंधन है और मेरा जीजा जी का बर्थडे भी है। आप लोग इन लोग को देखो, ये मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये मेरी दीदी की बेटी है, ये मेरी दीदी है, तो हाय पर हाय। और ये मेरी सिस्टर लो है, ये सिस्टर लो का बेटा है, हाय हाय। ये दोनों का आपको मालूम है, वो है मेरी दीदी का बेटा, करना से हाय करना। हम लोग सब अभी मैं मेरे ब्रदर लोग के घर जा रहे हैं, मतलब मेरे सिस्टर लोग के घर। ये मेरे दीदी है, मैं भाभी हूँ। हाँ भाभी हूँ। अभी मैं आपको मालूम होगा बैंगलोर में रहते थे मेरा संतोष का भाई, और अभी हम लोग उसके घर पे जा रहे हैं, मेरे सिस्टर लोग के घर पे जा रहे हैं। उधर जाकर हम लोग राखी मनाएंगे, सब लोग नहीं आएंगे, मैं और चुंसी, क्योंकि सिस्टर के सिस्टर लोग सब उनके घर गए, तो हम लोग बेटे को अभी हम लोग थोड़ा इधर एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैं और अक्कू दीदी की बेटी के नाम है अनेखा, हम फिर खुशी और चुनसी हम लोग जा रहे हैं मेरे सिस्टर लोग के घर, क्योंकि रक्षाबंधन है। उधर भी मेरा छोटू है टीम सिस्टर लोग का बेटा, उनको राखी बांधना है खुशी को, हम लोग उधर जा रहे हैं। और उसके बाद वापस आकर हम लोग जीजा जी का बर्थडे मनाएंगे, इधर मनाएंगे या उधर मनाएंगे, सिस्टर लोग के घर मनाएंगे पता नहीं। आप लोग भी देखो और विश करो मेरे जीजा जी को, हैप्पी बर्थडे का विश कर लो। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना भूलना नहीं, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और अच्छा अच्छा कमेंट डालना भूलना नहीं। बाय बाय बाय। ഞാൻ